सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। आरएलडी निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। आरएलडी ने समरसता अभियान की शुरुआत भी कर दी है और आरएलडी इस अभियान के तहत आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश भी देने वाली है। इस पूरे अभियान की कमान खुद जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। वही अभियान का मकसद किसानों, मजदूरों और दलितों को जोड़ने के साथ ही एक साथ आने का प्रयास करना होगा। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद ने किसान मजदूर सम्मेलन कराकर सामाजिक एकता का भी संदेश दिया था। तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुहानी, निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कहीं ना कहीं रालोद को एक काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में 2024 की डगर जो है वो काफी मुश्किल साबित हो रही है। इसके लिए रालोद ने क्या कुछ रणनीति बनाई है कि वो किस तरीके से प्रचार प्रसार करेगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि रालोद अब जो है जैन धर्मशाला बागपत में अपना समरसता जो अभियान है वो शुरू की है आज। और अब बता दें कि साथ ही कहा गया है कि ये अभियान शुरू करने से बाद वो सब धन्यवाद भी दिए उनको। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बागपत में हमें जीत मिली है उसे सभी वहाँ के जनता के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि रालोद के सिंबल पर राजुद्दीन एडवोकेट जो है 4 बार जीत हासिल किया, उसे लेकर धन्यवाद भी दिए हैं। वहीं कहा जा रहा है कि रालोद अब निकाय चुनाव में उन्होंने रालोद के जो अध्यक्ष है जो उनका जयंत चौधरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो निकाय चुनाव में हमें जो भी जीत मिली है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं जो है उनकी बहुत बड़ी हाथ है। क्योंकि ना हमने निकाय चुनाव में प्रचार किया, ना हमने आके दौरे किए, तो इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सबसे बड़ा इसमें हाथ है, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसलिए जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी अभियान शुरू कर रहा है। तो बीजेपी वहीं अपना जनता जिस तरीके से आज रालोद ने सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत की है, तो इस अभियान के जरिए किस तबके को साधने का सबसे ज्यादा प्रयास किया जा रहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि समरसता अभियान का मेन मकसद होगा भाईचारे, जो कि भाईचारों को एकजुट करना। वही आपको बता दें कि जो रालोद है वो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सबसे पहले मजदूर अभियान एकजुट करके अभियान चलाया था और अब वो फिर से लोकसभा चुनाव में ये समरसता जो अभियान है उनका खास तौर पर कहना है कि हम भाईचारे लाना चाह रहे हैं, किसान मजदूर और जो दलित हैं उनको एक साथ लाना चाह रहे हैं। और मेन मकसद उनका एक ही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गाँव है वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश से के जो सैकड़ों में से 4 लोग जो होते हैं वो सब शहरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गांव में जो सुविधाएं नहीं होती है इसलिए लोग गांव से शहर में आकर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको साफ तौर पर जयंत चौधरी का कहना है कि अब हम गांव का विकास करेंगे और जो भी काम नहीं हुआ है उसे हम पूरा करेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी भी पूरी तरह समरसता का अभियान जो अपनी कमान है वो पूरी तरह अपने हाथ में लिए हैं और ये अभियान जो है शुरू करने जा रहे हैं। उनका साफ तौर कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमारा सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है पूरी तरह से मजबूत रहेगा। और जो साफ तौर पर जो कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव में जो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है टूट गया, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उठती उठती खबर, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो आगे भी चलेगा, लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। गठबंधन चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सुहानी अभी सवाल ये है कि जब निकाय चुनाव के नतीजे आए तो पश्चिमी यूपी जिसको जयंत चौधरी का गढ़ माना जाता है वहां पे AIMIM का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिला। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए AIMIM कितनी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा रालोद के लिए? जी आपको बता दें मुस्कानी कि जयंत चौधरी का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कहीं नहीं, उनका कहा जा रहा है कि उन पे जो उनकी ज़मीनी जो खो गई थी वो ज़मीनी अपने वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं जो रालोद है अपनी कमर कस चुकी है और इसलिए वो पूरी तरह से ये इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। ये हम इनका बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर वो भी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है और इस बार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में जितने भी विपक्ष पार्टियाँ हैं वो भी कमर कस चुकी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सबसे एक चुनाव हो रहा है। इसमें आपको
खास तौर पर बात करें तो इस बार जो ममता बनर्जी हैं उनका भी कहना है कि इस बार हम चुनाव जो है लोकसभा के इसमें अगर बीजेपी को हराना है तो हमें सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब हम कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के उनकी सभी पार्टियां उनके हाथ मिलाना चाहती हैं क्योंकि साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत है उनका हम वहाँ साथ देंगे और इसलिए अब सभी पार्टी जो है कांग्रेस से मिलना चाहती है और उसके बाद उनके साथ भी रहना चाहती है। तो लोकसभा चुनाव का जो फिर से जो दौर शुरू हो गया है क्योंकि जो जितनी भी पार्टियां हैं अब निकाय चुनाव के बाद अब वो लोकसभा चुनाव के लिए दौरे कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो देखा जाता है यही कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव में लगातार लोग तैयारी में जुट जाते हैं, अपनी रैलियां शुरू कर देते हैं कि अब देख सकते हैं त्यौहार की तरह भारत में माना जाता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी जो तमाम पार्टियां हैं वो अब चुनावी मैदान में कमर कसते हुए उतरते हुए भी दिखाई दी हैं। लेकिन सुहानी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि समरसता अभियान जो है जयंत चौधरी चला रहे हैं, इस अभियान को किस किस क्षेत्रों से कवर करने का प्रयास किया जाएगा? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो अभियान है पूरे आपको उत्तर प्रदेश में इनका अभियान चलाने के शुरू किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये अभियान जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा इनके साथ जो इसमें सफलता मिल सकता है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में जाकर ये समरसता अभियान चलाएंगे क्योंकि उनका कहना है कि हमें गाँव जो गाँव है उसको बढ़ावा देना है क्योंकि गाँव में बहुत ऐसे काम है जो नहीं हो पा रहा है और गाँव के लोग जो शहर की ओर रुख कर रहे हैं, तो इसलिए जो गाँव का विकास करेंगे तो गांव-गांव में जाके ये अभियान समरसता अभियान चलाएंगे। खास तौर पर उनका कहना है कि हम मजदूरों को जो दलित हैं जो किसान हैं उनको लेकर हम इस समरसता अभियान में चलेंगे। तो आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये गांव-गांव में जाकर ये अभियान चलाएंगे और जयंत चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि हमें भाईचारे एकजुट करना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम अपडेट लगातार पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने समरसता अभियान की भी शुरुआत की है। तो लोकसभा की लड़ाई अब बेहद ही रोमांचक मोड में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यूपी के दो बड़े आईएएस अफसरों यानी कि आईएएस अमित मोहन प्रसाद और प्रांजल यादव के खिलाफ लोक आयुक्त ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दोनों अफसरों के खिलाफ फायर फाइटिंग सिस्टम और बिजली के काम बिना मानक का पालन किए और अलॉट करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में तैनाती के दौरान अपने चहेती कंपनियों को कार आवंटित करने के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत पर उप लोकायुक्त ने मामले में प्राथमिक से जांच की थी। वही मामले में गड़बड़ी के साक्ष्य मिलने पर विस्तृत जांच भी शुरू की गई है, जिसके बाद जांच के दायरे में तीन और अफसर भी आ चुके हैं। उप लोकायुक्त ने इन आरोपी अफसरों को शपथ पत्र के साथ आरोपों के जवाब देने के लिए भी कहा है। बता दें कि लखनऊ निवासी महेश चंद्र श्रीवास्तव ने इन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। तो दो अफसरों पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है और दोनों ही अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जहां प्राथमिक जांच में ये सभी आरोप सही पाए गए हैं और अब इसके बाद जो जांच का दौर है वो लगातार जारी है। तो आपको बताते चले कि अमित मोहन आईएएस अफसर है जिनके खिलाफ लगातार अब जांच जारी है, साथ ही सभी आरोपों का जवाब तक उनसे मांगा गया है और उनका नियुक्ति पत्र की भी मांग की गई है। तो दो आईएएस अफसरों पर ये तलवार लटकी हुई है। यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद आईएएस अफसर अमित प्रांजल और यादव के खिलाफ लोकायुक्त ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। दोनों पर फायर फाइटिंग सिस्टम और बिजली के काम बिना मानकों का पालन किए अलॉट करने का आरोप है, जिसकी शिकायत पर उप लोकायुक्त दिनेश कुमार ने मामले में प्राथमिक जांच की थी। और प्राथमिक जांच के बाद आप सभी को बता दें कि जब ये सारे आरोप सही पाए गए हैं तो इसके बाद अब विस्तृत यानी कि एक गहन जांच जो है वो शुरू की है और जांच के दायरे में तीन और अफसर भी आ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, दो आईएएस अफसरों पर गाज गिरती हुई नजर आई है, वही प्राथमिक जांच के दौरान इन दोनों ही आईएएस की जो आरोप है वो सही पाए गए हैं। क्या कुछ आरोप इन दोनों ही आईएएस अफसरों पर लगे थे? देखिए मुस्कान, आरोप यहाँ पर यह है कि वित्तीय अनियमितता करते हुए जो लायक नहीं उनको यहाँ पर टेंडर दिए गए, उनको लाभ पहुंचाया गया और हीला बाली की गई
यही आरोप उनको लगे हैं। कार्यदायी संस्था के माध्यम से गलत लोगों को यहाँ पर टेंडर दी गए हैं, उसके बाद जो वित्तीय अनियमितता है उसका यहाँ पर आरोप लगाए और आरोप यहाँ पर महेशन श्रीवास्तव ने आज से 2 साल पहले लगाए थे। आपको बता दूँ जब कोरोना का समय चल रहा था, जिसमें कोरोना महामारी चल रही थी, उस समय अगर आप अमित मोहन प्रसाद की बात करें, उस समय वो परिवार स्वास्थ्य कल्याण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव थे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कार्रवाई उस समय भी तमाम तरह के मामले सामने आ रहे थे। पर उन मामलों के अलग जब शिकायत हुई थी, महेशन श्रीवास्तव ने शिकायत की थी इनकी, तो उसमें उसके जर में 5 अफसर आए थे। अगर 5 अफसरों की बात करें तो अमित मोहन प्रसाद के साथ इनके अलावा बात करें तो विशेष सचिव प्रांजल यादव की बात हुई थी, इसके अगर बात करें तो संयुक्त सचिव प्राणेश चंद्र शुक्ला की भी नाम आया था। इसके अलावा अपर निदेशक विद्युत निदेशालय डीके सिंह की बात भी आई थी, और इसके अलावा बात करें तो अनुभाग अधिकारी या अनुसचिव चंदन कुमार रावत का नाम भी इसमें आया था। उसके बाद लगातार इसमें चर्चा चल रही थी, प्रारंभिक जांच भी चली थी। प्रारंभिक जांच करने के बाद अब लोकायुक्त संगठन इसमें जांच करने जा रहा है, और अब यहाँ पर इन अफसरों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुस्कान, ठीक है गौरव, ये जांच जो है ये सभी अधिकारियों पर किस तरीके से की जाएगी? देखिए लोकायुक्त संगठन की जांच और प्रारंभिक जांच यहाँ हो चुकी है, अब लोकायुक्त संगठन जो यहाँ जांच करने वाला है, लोकायुक्त संगठन की जो जांच का जो दायरा होता है बड़ा होता है, जिसमें जो भी अधिकारी आएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों के नाम, 2 IAS के नाम आते हैं, इसके अलावा मैं 3 नाम मैंने आपको और बताए हैं। डीके सिंह की बात मैंने आपको कही, प्राणेश चंद्र शुक्ला की बात मैंने आपको कही है, चंदन कुमार रावत की बात मैंने आपको बताई है। 3 अधिकारी इस जड़ में है और आने वाले समय में तमाम अधिकारी और इस जड़ में आ सकते हैं। बड़ी जांच यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सामुदायिक केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर, निर्माण को लेकर भी यहाँ मामला उठा है, फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर उसमें अनियमितता किए गई, गलत लोगों को टेंडर दिए गए हैं, बिना पत्र रखते हुए निविदा निकाली गई है, तो करेंगे बड़े मामले यहाँ पर है। और फिलहाल बड़े मामले में यहाँ पर 2 IAS को यहाँ पर अब जो फंस चुके हैं। और यहाँ पर जो बड़ा सवाल ये है कि जब इन दोनों ही IAS अफसरों पर लगातार जांच का दौर जारी था, तो ऐसे में अमित मोहन प्रसाद फिलहाल अपर मुख्य सचिव MSME है, अगर जांच हो रही थी तो आखिर विभाग जो है वो नए विभाग क्यों दे दिए गए फिर? देखिए मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात है जांच चलती रहती है, अधिकारी के खिलाफ तमाम तरह के जांच आती रहती हैं और यहाँ पर मामले आते रहते हैं, पर जब तक जांच में दोषी सिद्ध ना पाया जाए तब तक उनका विभाग बरकरार रहता है, या विभाग को बदल दिया जाता है वो अलग बात है, तो यहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है। पर ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के नुकसानदायक है। यहाँ पर अमित मोहन प्रसाद पर आरोप लगे, प्रारंभिक जाँच हुई, अब यहाँ पर लोकायुक्त संगठन की जाँच होने जा रही है, तो मेरे ख्याल से उन पर गाज गिननी तय है कि गाज अगर नहीं गिरेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, और जो हमारी देश की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, उस पर भी प्रश्न उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कार्रवाई होना तय है। अब इस कार्रवाई में जड़ में कौन कौन आता है, कार्रवाई कितनी बड़ी हो सकती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्कान, बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से लगातार योगी सरकार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की वो बात करती है, लेकिन अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी सरकार में इसका पालन नहीं हो रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से इन तीनों ही या जो जिन भी अफसरों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, तो क्या ये विपक्षी पार्टियों को एक जवाब देने की कोशिश भी होगी? इनकी जो यहाँ पर जांच मांगी जा रही है, जो जांच हो रही है वो यहाँ पर सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही है, यहाँ पर आरोप लगाया गया। महेश्वर श्रीवास्तव ने यहाँ पर आरोप लगाया तो उनके आरोप पर यहाँ प्रारंभिक जांच हुई, तो अब यहाँ पर जांच लोकायुक्त संगठन करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संज्ञान अगर लिया जाता तो होता है कि बहुत पहले यहाँ जाँच हो सकती थी, और इसके अलावा हो सकता है अमित मोहन प्रसाद बहुत पहले कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि कोरोना के समय में तमाम तरह के मामले उठे, तमाम मामले में उनका नाम आया था, पर उस समय भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा वहाँ पर हिला बहाली कही गई थी, और उसका हिला बहाली का नतीजा ये रहा कि उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब फिलहाल महेश चंद्र श्रीवास्तव की जो 2 वर्ष पुरानी याचिका है उस पर कार्रवाई हुई है, प्रारंभिक जाँच हुई है, और सरकार ने यहाँ पर अपनी नीति को बहुत सजग तरीके से और व्यवस्था के अनुरूप काम करते हुए यहाँ पर लोगों संगठन की जाँच होने वाली है, और कई बड़े नाम इसमें भी मुस्कान आने अनुमति के साथ कई और सफेदपोश भी नाम इस पूरे जांच के दौरान सामने आ सकते हैं। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले कि 2 IAS अफसरों पर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई की जो तलवार है वो लटक हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इन दोनों ही IAS अफसरों पर धांधली का आरोप है, साथ ही ये भी आरोप है कि इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपने चहेतों को काम दिया है। यही वजह है कि जब प्रारंभिक भ्रष्टाचार की बात की गई तो जब आरोप सही पाए गए तो उसके खिलाफ अब विस्तृत जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो अभी तक लगातार हम आप तक पहुंचा दे कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी थी और पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त टिकी हुई थी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की एक याचिका दाखिल की गई थी और वही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्बन डेटिंग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं है, यानी कि कार्बन डेटिंग कराए जाने के मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्बन डेटिंग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मुख्य मामले के साथ ही टैग कर दिया है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश जो सामने आया था उस पर जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आया था शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर के, तो वही कार्बन डेटिंग का आदेश अगले सुनवाई तक लागू नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिका को मुख्य मामले के साथ ही टैग कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, ज्ञानवापी परिसर के जो अंदर शिवलिंग था उसकी कार्बन डेटिंग के मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या कुछ निकल कर आया सुनवाई के दौरान? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में अगर बात करें तो कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि कार्बन डेटिंग की जाएगी। तो आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से कार्बन डेटिंग के मामले को स्वीकृति मिली थी। अब ये मामले पर चुनौती देने मुस्लिम पक्ष अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कार्बन डेटिंग के मामले पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और मामले की अगली सुनवाई तक कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन आपने मुस्कान देखा था एएसआई की तरफ से स्वीकृति मिली थी कि ज्ञानवापी परिसर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां के तथाकथित वजू खाने के अंदर जो शिवलिंग की बात कही जाती है और मुस्लिम पक्ष इसे फुहारा बताता है, इन सभी चीजों के एएसआई की सर्वे की बात कही गई थी। साथ ही साथ वहां की पूरी नक्काशी बिल्डिंग दीवारों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक मिली थी कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जाकर और मामले की जांच करें। इस मामले में अगर बात करें तो आने वाले 22 मई को सुनवाई है और आज अगर बात करें, लेकिन यहां पर ये जानना काफी अहम हो जाता है कि अगर कार्बन डेटिंग के साथ जो भी और तमाम तकनीक का इस्तेमाल करके अगर ये खुलासा हो जाता है कि आखिर ये शिवलिंग है या फुवारा है या जो भी चीज है स्ट्रक्चर वो कितने साल पुराना है, तो आखिर इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष में इतनी छटपटाहट क्यों है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो दोनों के लिए कोर्ट है और दोनों प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय कोर्ट को अपने न्याय के तराजू पे तौल कर और फैसला करना है। आपको बताएं कि कोर्ट की तरफ से अगर देखें, कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं। जहां बीते दिन एएसआई की सर्वे को स्वीकृति मिली तो आज मुस्लिम पक्ष के पास आखिरी दिन था इस मामले को आपत्ति की। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपत्ति जताई गई है और आने वाले 22 मई को फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से फैसला आना है। वहीं आप अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस मामले पर कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई गई है और आने वाले जो सुनवाई की डेट है तब तक रोक लगाई गई है। और मुस्कान, अगर बात की जाए तो दोनों पक्ष तमाम दलील दे रहे हैं। जहां हिंदू पक्ष की वादिनियों की तरफ से एक दिन जो पूजा का अधिकार दिया जाता है उसे हर दिन पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को ज्ञानवापी मस्जिद बताने का पूरा जो प्रक्रिया है वो जारी है। माननीय कोर्ट को इस बात की कहीं ना कहीं हर एक सबूतों को देखना है, पुराने किताबों का उल्लेख कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर में प्रस्तुत किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है। आज से ठीक एक साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का अच्छा बांशु, अक्सर हमने देखा है कि इस मामले को लेकर आज तक जितनी भी सुनवाई होती आई है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर आपत्ति दाखिल कर दी जाती है। तो आखिर अगर ऐसे ही आपत्तियों का दाखिल अगर होने का दौर जारी रहेगा तो फिर ये मामला तो कभी सुलझ ही नहीं पाएगा।
मुस्कान, अगर बात की जाए तो इस भारत के लोकतंत्र की यही मिठास है कि आप अपनी आवाज को कोर्ट के अंदर में कहीं ना कहीं रख सकते हैं। उसी का नतीजा है कि दोनों पक्षों की तरफ से तमाम सबूतों को रखा जा रहा है। अब बात करें तो जहां मुस्लिम पक्ष इस बात को दलील देते हुए आ रहा है कि एक लंबे समय से हमारे पूजा का क्या, हमारे कहीं ना कहीं हमारी पूजा पद्धति के ये केंद्र बना हुआ है, हम अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से इबादत करते हैं, तो वहीं हिंदू वादिनी और हिंदू पक्ष का वकील विष्णु गुप्ता का, विष्णु शंकर का कहना है कि मंदिर परिषद को फिर से खोला जाए और जो एक दिन के लिए पूजा की स्वीकृति दी जाती है और वो हर दिन के लिए पूजा का अधिकार दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का विषय है, कोर्ट को तय करना है। और आपको फिर दोहराना चाहूँगा कि भारत के लोकतंत्र की ही वजह है कि दोनों पक्षों की बातों को कोर्ट सुन रहा है और कोर्ट को तय करना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद होगा या ज्ञान व्यापी मंदिर होगा। और हर एक मुद्दों को कहीं ना कहीं अपने न्याय के तराजू पर रख कर तौला जाएगा, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी ठीक है। विभांशु, बीते दिनों एक स्ट्रक्चर भी वायरल हुआ है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं ने बताया कि वहां पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और उसका जिक्र उन्होंने कहा है कि वेदों में भी है, पुराणों में भी है, तमाम धार्मिक ग्रंथों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया। तो अब उस स्ट्रक्चर पर भी विवाद खड़ा हो रहा है कि आखिर जो हिंदू पक्ष है उसे कैसे पता कि मंदिर कैसा दिखता होगा। जी, अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर एक लंबे अरसे तक अगर देखें तो इतिहास की झरोखों को अगर उठाएं तो एक लंबे अरसे से ज्ञान व्यापी मस्जिद या मंदिर परिषद के अंदर में कहीं ना कहीं विवाद रहा है। अब ये मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। आपको बता दें कि अगर बात करें तो बीते दिन एक स्ट्रक्चर, आप जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें साफ तौर से हिंदू नक्काशी यानी कि हिंदू कलाकृतियों के आधार पर जो बिल्डिंग का निर्माण है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। अगर प्राचीन समय में जाएं तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग बनाए जाते थे उसमें एक जो अपने पूरे धर्म के लिहाज से बिल्डिंग का निर्माण किया जाता था। अब बात करें तो हिंदू पक्ष का कहना है कि जो बाहर से आक्रमणकारी आए, साथ ही साथ मुगल आए, उनके द्वारा मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। आपको बता दें कि अगर कोर्ट की पूरी कार्रवाई को देखें तो कोर्ट की कार्रवाई के अंदर में कई किताबों को सबूत के तौर पर रखा गया है, कई ऐसे प्राचीन किताब जिसमें कहीं ना कहीं मंदिर या मस्जिद का उल्लेख है उसे रखा गया है और इसी के आधार पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। साथ ही आपको बताएं कि कार्बन डेटिंग के आधार पर कहीं ना कहीं ये चीज का पता लगाने का प्रयास था कि आखिर वो शिवलिंग कितना पुराना है। अगर किताबों को हम जोड़ के देखें तो 16वीं शताब्दी में अगर मंदिर का वहां हुआ करता था तो ठीक वैसे ही देखा जाएगा कि क्या तोड़म मल के द्वारा जिस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था उसी दौरान ज्ञान व्यापी का भी निर्माण किया गया था। पूरे देश के सामने पेश किया गया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस मॉडल को रखा गया। लेकिन विभांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि कार्बन डेटिंग कहीं ना कहीं ये बताने में 90% तक सही होता कि वो जिस फवादे की बात हो रही है या जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है उसकी उम्र कितनी पुरानी है, तो कहीं ना कहीं इससे एक पर्दा हट जाता कि आखिर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद था या ज्ञानवापी मंदिर था। तो इसको लेकर के आखिर आपत्ति इतनी क्यों है, क्योंकि सच तो सामने तो भी आ जाएगा जब कार्बन डेटिंग होगी। जी बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने। इस मामले को अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों को पूरे संयम बनाकर और कोर्ट के पूरे जो फैसले हैं उसको ध्यान में रखकर और उसे पालन करना चाहिए। साफ तौर से अगर देखा जाए तो कार्बन डेटिंग से ये साफ पता चल जाएगा कि वाणी अहिल्याबाई के द्वारा जो काशी विश्वनाथ का जीवन उद्धार किया गया था, और इस बात पे लंबे अरसे से चर्चा हो रही है कि वाणी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी परिसर का निर्माण कराया गया था। अब अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां के निर्माण के आधार पर इस बात पर कह पाएगी कि ये मंदिर है या मस्जिद, और साथ ही साथ कार्बन डेटिंग से जो वजूखाने के अंदर शिवलिंग या फुहारा है उसका भी पता चल पाएगा। बिल्कुल, उम्र का पता लगना बहुत जरूरी है, शायद अभी आगे की जो भी जांच प्रक्रिया है वो उसमें और तेजी आएगी। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हो रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर अब आदेश दे दिया है कि कार्बन डेटिंग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। तो जिस कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा था हाईकोर्ट में, तो वही हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग पर
सहमति मिलने के बाद अब जो मुस्लिम पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सुनवाई के दौरान कार्बन डेटिंग के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। वही इस पूरे मामले को लेकर के अब एक जो मुख्य मामला है उससे अटैच भी कर दिया गया है। अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है। जी हां, अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिलने की भी खबर अब सामने आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी बरी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसके बाद अजय मिश्रा टेनी को अब बरी कर दिया गया है। तो अजय मिश्रा टेनी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बताते चले कि अजय मिश्रा टेनी को आज एक बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो ये बड़ी राहत है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए, जिनको आज बरी कर दिया गया है। तो एक लंबे समय के बाद आखिरकार टेनी को बड़ी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 19 साल पुराने फैसले को सही बताया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, जहां लखीमपुर खीरी में 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी समेत कुल 4 आरोपी बरे हो गए हैं। तो कुल 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है और 2004 का ये पूरा मामला था। अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। तो वहीं आज सुनवाई के दौरान अजय मिश्रा टेनी को बड़ी राहत मिली है, अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हैं। गौरव, 23 साल पुराने मामले में अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है, क्या कुछ दलीलें इस दौरान कोर्ट में दी गई जिसके बाद अजय मिश्रा टेनी को ये राहत मिली है? देखिए मुस्कान, सन 2000 का मामला है। लखीमपुर के तुकनिया में समाजवादी पार्टी यूकबिन का सदस्य था, लखनऊ विश्वविद्यालय का नेता था प्रभात गुप्ता, उसकी सरे बाजार गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ पर 4 लोगों का नाम सामने आया था, बीजेपी से रहे उस समय अजय मिश्रा टेनी, सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश जालू, वहाँ पर 4 लोगों के खिलाफ यहाँ पर नामजद FIR दर्ज कराई गई थी। उसके बाद ये जब मुकदमा चल रहा था तो मुकदमा का ट्रायल चलते चलते सन 2004 में फैसला आया था कि सबूतों के अभाव में यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी को और 3 लोगों को यहाँ पर बरी कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट इन मामले पर लगातार यहाँ पर सुनवाई चल रही थी और माना जा रहा था कि शायद ट्रायल कोर्ट के सेशन कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट बदल सकता है और हाईकोर्ट इस मामले में बड़ी यहाँ पर सजा का ऐलान कर सकता है। पर हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर, चूंकि अगर इस बात करें मुस्कान, तो 23 साल लंबा यहाँ इतिहास रहा है, 19 साल से ये मामला लगातार हाईकोर्ट में चल रहा था। अगर हम बात करें तो हाल की अगर प्रक्रिया की बात करें तो 18 मार्च 2022 की बात करें तो समय भी फैसला सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद अगर हम बात 18 की बात करें, 22 की बात करें, अभी 21 फरवरी 2023 को भी फैसला सुरक्षित रखा गया था, लगातार फैसला रिजर्व रखा गया था और 2 दिन पहले भी इसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था। पर यहाँ पर जो जज है, लखनऊ जो बेंच है हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, वहाँ पर AR रसूदी और जो OP शुक्ला है उनकी बेंच ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आपका ट्रायल कोर्ट का फैसला था, जो सेशन कोर्ट का फैसला था, उसको हम बरकरार रखते हैं और यहाँ पर राज्य सरकार की याचिका है उसको यहाँ पर नामंजूर कर दिया गया है और अजय मिश्रा और 3 आरोपियों को यहाँ पर जो बताया गया था कि आरोपी है और उनको बरी कर दिया गया है। फिलहाल अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी राहत की सांस होगी, उनको बरी कर दिया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले पर यहाँ हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। मुस्कान, बिल्कुल, धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया है और अजय मिश्रा टेनी को एक बड़ी राहत मिली है। 24 साल पुराने मामले में अजय मिश्रा टेनी के साथ ही 4 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है। तो अलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जहां आज अजय मिश्रा टेनी को एक बड़ी राहत मिली है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।